गाइस, आज हम ये बटरफ्लाई बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे दो तरह की बटरफ्लाई बनाऊंगी, एक ये इस तरह से और एक ये इस तरह की। तो स्टार्ट करते हैं, हमें इसके बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए। क्राफ्ट पेपर चाहिए, पेंसिल, सीजर, ग्लू। और इसको मैंने रैप करने के लिए थोड़ा सा थ्रेड लिया है, और आप चाहे तो ये वायर भी ले सकते हैं, जो वायर के साथ में बंधी हुई आती है ये। तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसे हम जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं। तो मैंने ये लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप धागा यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली बटरफ्लाई बनाएंगे। तो ये स्टेप का स्क्वायर शेप में मैंने क्राफ्ट पेपर लिया है। इसे हम सबसे पहले ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर इस तरह से अब भी इसे फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस सेंटर से ऐसे। ठीक है, अब सेम थिंग इधर से। ये फोल्ड होने के बाद ऐसे दिखेगा, फिर इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको शेप देंगे। इस तरह से। अब हम इसे यहाँ भी सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे हाफ, और इसे इधर से हाफ। ये ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसे बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये वाला पोर्शन हम यहाँ लेके जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे। ये बटरफ्लाई का शेप है, और यहाँ से थोड़ा सा और सिर्फ पुश करेंगे ऐसा, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू कर दे ताकि ये निकले नहीं। ये हमारी बटरफ्लाई तैयार है। अब हम दूसरी वाली बटरफ्लाई बनाएंगे। अब हम ये वाली बटरफ्लाई बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने दो क्राफ्ट पेपर लिए सेम साइज के। इसे सबसे पहले बीच से फोल्ड करेंगे। फिर इसके जैसे यहाँ से हाफ फोल्ड करेंगे इधर ऐसे। सेम ऐसे। अब इसे हम ट्विस्ट करते जाएंगे लाइक फैन के जैसे। ये देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे फैन के जैसे करना है।
ये हमारी आधा पार्ट तैयार हुआ है, ये ऊपर का हिस्सा तैयार हुआ है। अब हम नीचे का बनाते हैं। इसे भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। इसका हम सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा ऐसे सेंटर लेंगे इसका, इसे सेंटर आया यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे, फिर इसे थोड़ा सा शेप में देंगे, राउंड शेप इधर से ऐसे। इसे भी बीच से थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करेंगे, सेंटर देंगे इसको भी। अब इसे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। मैं यहाँ पे ये वायर यूज कर रही हूँ। इसे इन दोनों के बीच में सेंटर लेके ऐसे सेंटर लेके इसे बीच से ट्विस्ट करेंगे साइड में यहाँ पे, ताकि बटरफ्लाई का ऊपर का हिस्सा बन जाए। और यहाँ से इसे ऐसे थोड़ा घुमा देंगे। और इसे थोड़ा सा ऐसा फैला देंगे ताकि प्रॉपर शेप में दिखे। अब हम यहाँ पे बीच में थोड़ा सा लगाने के लिए ये जो हमने कट किए थे इसमें से थोड़ा सा ऐसे शेप में कट करेंगे। ऐसे और यहाँ पे ग्लू करके ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारी बटरफ्लाई तैयार है। तो आप देख सकते हैं हमारी बटरफ्लाई। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।